नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आज पूरे देश में ईद उल अधा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस तरफ एक अलग ही जश्न देखने को मिल रहा है, इसे लेकर बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। ये दिन कुर्बानी का दिन होता है। इस्लाम धर्म के लोग इस दिन नमाज अदा करने के साथ बकरी की कुर्बानी देते हैं। इस दिन कुर्बानी देना सवाब का काम माना जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में बकरीद व पर्व मनाया जाता है। इस दिन कुर्बानी देना वाजिब माना जाता है। कहा जाता है कि वाजिब का मुकाम फ़र्ज के ठीक नीचे है। साथ ही इस्लाम धर्म में कुर्बानी को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिसका पालन करना हर किसी के लिए वाजिब माना जाता है। प्रत्येक वर्ष ज़िलहिज्जा माह के 10वें दिन बकरीद का पर्व मनाया जाता है। और ईद उल अज़हा जो है वो अल्लाह से मोहब्बत और बंदे से मोहब्बत के बीच की ये कुर्बानी जो होती है, उसी के बारे में ये पर्व मनाया जाता है, ईद मनाया जाता है। अल्लाह से कितनी मोहब्बत है वो और बंदों के बीच में जो मोहब्बत होती है, उसके बारे में ही ये ईद को हम लोग मनाते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमी। आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल वाहिद। आज क्या है? ईद उल अज़हा का दिन है हमारे यहाँ पे। अभी जस्ट हम लोग नमाज अदा करके यहाँ ईदगाह से निकले हैं, और जो ज़्यादा खुश नसीब लोग हैं वो लोग हज करने मक्का शरीफ गए हुए हैं। बहुत सारे लोग मीना में आज, उसके बाद फिर हरम शरीफ जाएंगे, फिर मदीना शरीफ जाएंगे। मेरी यही ख्वाहिश है कि सारे लोग जमशेदपुर वाले, पूरी हिंदुस्तान के लोग अमन सुकून के साथ ईद उल अज़हा का नमाज़ पढ़ें। ये एक बहुत कुर्बानी का त्यौहार है। अच्छे से सब मिल के हर बिरादरी के लोग मनाएँ, यही हमारी ख्वाहिश। आप सभी जमशेदपुर वालों को हमारे तरफ से ईद उल अज़हा की शुभकामनाएं। बकरीद मना रहे हैं ईद उल अज़हा का त्यौहार, जो हमारे पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उसे आषाढ़ आज के दिन मना रहे हैं। और बकरीद का नमाज अभी खत्म हुआ है, इसके बाद अपने अपने घरों में जाके कुर्बानी देंगे। क्या नाम हुआ आपका? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लड़के जो है बकरीदे उनके शाम को उसमें बनाया जाता है, कुर्बानी किया जाता है। और इस मौके पर हम अपने देशवासियों को बड़ी शहर के लोगों को बधाई देते हैं, ताकि कुछ उनके साथ में ये पर्व मनाए। ईद का ये खास त्यौहार आपको और आपके परिवार को खुशियाँ बख्शे, या आपकी सब इच्छाएं पूरी हो। ईद उल अज़हा मुबारक हो।